अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। चीन में इजरायली राजनयिक पर हमला हुआ है। इजरायल के विदेश मंत्रालय का कहना है कि बीजिंग में इजरायली दूतावास के एक कर्मचारी को हमले के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजनयिक की हालत फिलहाल स्थिर है, ये अभी कहा गया है। और वहीं पर हमास की ओर से और भी आतंकी हमलों की आशंका जताई गई है। आज के दिन, शुक्रवार के दिन, नमाज के बाद हर जगह, कई जगह पर प्रदर्शन तो हो ही रहे हैं दुनिया में अलग अलग जगह, लेकिन हमास की तरफ से ताबड़तोड़ आतंकी हमले हो सकते हैं, ये भी आशंका जताई जा रही है फिलहाल। लेकिन ये बताया जा रहा है कि इस राजनयिक को चीन में बीजिंग में चाकू से बार बार उस पर हत्या आक्रमण किया गया है, उसको घात लगाकर उस पर अटैक किया गया है और फिलहाल अस्पताल में वो भर्ती है, राजनयिक इजरायली मूल का, जिसको कि अभी उसकी हालत स्थिर बताई जा रही। वही आतंकी संगठन हमास ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। हमास ने दावा किया है कि इजरायल के हवाई हमले में 13 बंधक मारे गए हैं, मृतकों में विदेशी भी शामिल हैं। तो हमास की तरफ से ये कहना, हमास कयास ये लगाए जा रहे थे कि 250 से 300 बंधक हमास बनाकर ले गया है, जब वो इजरायल के दक्षिणी भाग में घुसा और वहाँ पर उसने नरसंहार किया और उसके साथ ही कई सारे लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ लेकर गया। इसमें विदेशी मूल के, गैर इजरायली मूल के कई सारे ऐसे लोग मौजूद हैं। अब हमास का कहना है कि इजरायल की एयर स्ट्राइक्स की वजह से करीब 13 बंधक फिलहाल मारे जा चुके हैं। एक और बड़ी खबर इजरायल से आ रही है। अमेरिका ने कहा है कि इजरायल में 27 अमेरिकी नागरिकों की मौत हुई है, वहीं 14 अमेरिकी नागरिक अभी भी लापता हैं। दावा यह किया जा रहा है कि कई अमेरिकी नागरिक हमास की कैद में हैं। एक तरफ हमास ये कहता है कि इजरायल की एयर स्ट्राइक्स में 13 विदेशी बंधक मारे गए हैं, 13 बंधक मारे गए हैं, क्या इसमें अमेरिकी मूल के भी नागरिक हैं, ये देखने वाली बात होगी। जो 27 अमेरिकी नागरिक मारे गए थे वो लियोर इलाके में किबुत समुदाय के एक त्यौहार में शरीक हुए थे, वहीं पर इनकी मौत हुई है, जहाँ हमास ने बर्बरता दिखाई थी, नरसंहार किया था। जिस वक्त हमास के आतंकी इजरायल में कत्लेआम मचा रहे थे, उस वक्त हमास का कमांडर मोहम्मद दाइफ ऑडियो टेप रिकॉर्ड कर रहा था। इजरायल में हुए संहार से जारी से सारी जिम्मेदारी, इसकी सारी जिम्मेदारी इस हमास के कमांडर मोहम्मद दाइफ की बताई जा रही है। एक आंख से देखने वाला, दोनों हाथ दोनों पैर से अपाहिज हो चुके इस आतंकी ने ही इजरायल की तबाही की संपूर्ण स्क्रिप्ट तैयार की थी। ويا أحرار العالم من لم يستطع المشاركة في طوفان الأقصى مشاركة فعلية مباشرة فليشارك بالتضامن والتظاهر والمساندة اخرجوا للساحات والميادين. इस 1 मिनट 35 सेकंड के ऑडियो क्लिप में इसराइल हमले की रूह कंपा देने वाली खूनी कहानी दर्ज है। सिर्फ आवाज, बाकी कोई पहचान नहीं, क्योंकि वो अक्सर वीडियो में नकाबपोश ही नजर आता है या फिर सिर्फ उसकी परछाई ही दिखती है। वो कभी किसी को सार्वजनिक रूप से नहीं दिखा है, वो कभी भी मोबाइल या किसी दूसरे डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता है। इसी ने इसराइल के खिलाफ हमास के हमले को अल अक्सा स्ट्रॉम नाम दिया। يوم الثورة الكبرى من اجل انهاء الاحتلال الاخير ونظام الفصل العنصري الاخير في العالم। आतंक का नंगा नाच करने की अपील करने वाली ये ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि ये आवाज मोहम्मद दईफ की है, लेकिन कौन है ये मोहम्मद दईफ जिसने 50 सालों में इसराइल के खिलाफ इतना बड़ा हमला कर दिया जिसके बारे में इसराइल सोच भी नहीं सकता था? कौन है मोहम्मद दईफ जिसे मारने के लिए इसराइल की तेज तर्रार खुफिया एजेंसी मोसाद ने 7 बार कोशिश की,
लेकिन वो हर बार बच निकला। इसराइल को खून के आंसू रुलाने वाले मोहम्मद दई के बारे में जो पता चला है वो ये कि इसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, एक आंख नष्ट हो चुकी है, सिर्फ एक आंख से ही देख सकता है, व्हीलचेयर पर चलने के लिए मजबूर है। मोहम्मद दईब का कोई वीडियो इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, बस मोहम्मद दईब की साजिशों का शिकार हुआ इसराइल की तस्वीरें जो मोहम्मद दईब के विचारों की खूनी गवाही देती है। मोहम्मद दईब की तस्वीरें भी जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो 20 साल पुरानी है, यानी मोहम्मद दईब अभी कैसा दिखता है किसी को खबर नहीं, उसके बारे में गाजा पट्टी के लोगों को भी ज्यादा कुछ नहीं पता। मोहम्मद दईब को दुनिया भर में नया ओसामा बिन लादेन का नाम दिया जा रहा है। गाजा पट्टी में मोहम्मद दईब को लोग गेस के नाम से जानते हैं, क्योंकि मौत का दूसरा नाम मोहम्मद दईब एक जगह कहीं ठहरता नहीं। मोहम्मद दईब को नौ जिंदगी पाने वाली बिल्ली भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है वो इसराइल के नौ बार के हमलों में अब तक बचता रहा है। लेकिन इंटरनेट पर मोहम्मद दईब के बारे में जो जानकारी मौजूद है उसके मुताबिक मोहम्मद दईब हमास के मिलिट्री विंग कस्साम का सुप्रीम कमांडर है। मोहम्मद दईब ही इसराइल पर थल और नब यानी पैराग्लाइडर से हमले का मास्टरमाइंड है। इसी आतंक के आका ने इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की प्लानिंग की थी। इसी की कमान में हमास के सैकड़ों आतंकवादियों को एक साथ इसराइल भेजा गया। इसी मोहम्मद दईब ने गाजा में बैठे बैठे इसराइल की सड़कों पर कत्लेआम की स्क्रिप्ट लिखी। इस मोहम्मद दईब ने गाजा पट्टी के 20 लाख लोगों की जिंदगी इसराइल की मिसाइलों की ओर मोड़ दी। अपाहिज आतंकी ने रात के अंधेरे में जो कुछ रचा उसे अब पूरा गाजा पट्टी भुगत रहा है। हमास के मिलिटेंट विंग के मुखिया मोहम्मद दईब ने इसराइल पर अटैक की इतनी बड़ी प्लानिंग की थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसराइल फोर्सेस को रिस्पॉन्स करने में 3 घंटे का वक्त लग गया। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को इस हमले के पहले भनक तक नहीं लगी, मतलब एक एक डिटेल को मोहम्मद दईब सीक्रेट रखने में कामयाब रहा। कहा जा रहा है कि ये हमला इतना सुनियोजित और बड़े लेवल पर प्लान किया गया था, लेकिन इसकी जानकारी हमास के दूसरे आतंकी कमांडरों तक को नहीं थी, जब तक कि उन्हें अटैक का ऑर्डर नहीं मिल गया। अब वही हमास के हमले से चाइल्ड अस्पताल का एक हिस्सा तबाह और बर्बाद हो चुका है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, चाइल्ड डिपार्टमेंट में हर तरफ बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम के कैमरे में वहां का एक नजारा कैद हुआ है, देखिए ये रिपोर्ट। न्यूज 18 इंडिया आपको लगातार ग्राउंड जीरो से हर वो रिपोर्ट दिखा रहा है, हर जगह से हर पल वो रिपोर्ट दिखा रहा है जिसने इसराइल को चुनौती दिया हमास के हमले की। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमास ने अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा। ये जो डेब्रिस आपको दिख रहा है यानी मलबा जो दिख रहा है ये एक अस्पताल का मलबा है, बारजिलाई अस्पताल है, बारजिलाई यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर जो कि एस्थेलॉन में है, जो कि बिल्कुल बगल में है हमास के। ये कांच के टूटे शीशे आप देख सकते हैं, ये अस्पताल पर हमला किया गया है। गनीमत था कि वहां कोई मरीज जहां बैठे वहां नहीं, बारजिलाई यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर। और अब आपको दिखाते हैं जो डैमेज हुआ, ये देख सकते हैं, ये सामने का एरिया पूरा का पूरा डैमेज हुआ है। करम सिंह हमारे कैमरा पर्सन जो हमारे साथ युद्ध भूमि में लगातार हमारे साथ मौजूद है, वो आपको दिखा रहे इस तरह से रेड रिबन से इसको प्रोटेक्टेड एरिया के तहत बना दिया गया है। और इम्पैक्ट कितना था वो आपको दिखाते हैं, इम्पैक्ट कितना था वो आपको दिखाएंगे। अस्पतालों को भी नहीं छोड़े। और ये पहला हमला था, 7 तारीख को ये हमला किया गया था। ये देखिए नीचे की दीवारें जो है दरक गई हैं। करम ये दिखाइए जो हमें देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पे, वो देखिए नीचे की दीवार ये पूरी दरक गई है। उधर दूसरी तरफ ये दीवारें जो है मिसाइल के इम्पैक्ट से ही गिरी है। करम आप पीछे देखिएगा और
ये आपको हर तरह से तस्वीरें हम लाकर दे रहे हैं। ये डोर्स के फ्रेम थे, वो जो मलबा आपको दिखाया था पीछे में, इसी तरह के फ्रेम लगे हुए थे पूरे ऊपर, यहाँ वो गिर गया है। ये देखिए सारे फ्रेम गिरे हुए हैं, और ये दीवार की स्थिति देखिए। ये तो एक तरफ से आपको इम्पैक्ट पता चलेगा 7 अक्टूबर की घटना का, जब मिसाइल से हमला किया गया। अब वही हमास के हमले के बाद इसराइल के समर्थन में कई देश आकर खड़े हुए हैं। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी इसराइल के सपोर्ट में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, और पूर्वी भूमध्य सागर में नौसेना के 2 जहाज भेजने का फैसला भी कर दिया है। अब यूनाइटेड किंगडम के साथ और अमेरिका के साथ जर्मनी ने भी हर साथ का वादा दिया है। फ्रांस ने भी कहा है कि वो पुरजोर मदद करेगा इसराइल की, और इसराइल के खिलाफ किसी भी प्रदर्शन को अनुमति फ्रांस में अब नहीं दी जाएगी, ऐसा मैक्रों ने कहा है।